क्या आप भी ढूंढ रहे हैं वेस्ट दिल्ली जैसे लोकेशन पे अपना खुद का घर, साथ में बहुत सारी फैसिलिटी और रॉयल लुक दिखने वाला फ्लैट, मेट्रो स्टेशन के पास हो, अच्छे लोकेशन पे हो, साथ में फाइनेंस की फैसिलिटी भी हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल होम फॉर सेल, और मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ होम फॉर सेल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 3 BHK का फ्लैट जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसे कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं अमेजिंग, उतना ही सिंपल और इतना सटल लुक रखा गया है जिसको देखने के बाद आप बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले हैं। तो आगे बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और मैं दिखाती हूं आपको एक खूबसूरत सा 3 BHK का फ्लैट। तो चलिए, तो इस फ्लैट को बनाया गया है ओम विहार जैसे प्राइम लोकेशन पे, यानी कि आपको ये नवादा में मिल जाता है ओम विहार वाले लोकेशन पे। साथ में आपको मिल जाती है इस फ्लैट में लिफ्ट एंड कार पार्किंग की फैसिलिटी, और हम आपको देते हैं अपने 90% तक का फाइनेंस की फैसिलिटी। साथ में अगर मैं बात करूं इस फ्लैट में ना, आपको एक फ्लोर पे मिल जाती है 4 यूनिट, आपको बैक साइड 2 BHK के 2 फ्लैट मिल जाते हैं, फ्रंट साइड आपको एक ये 3 BHK का फ्लैट जस्ट इसके बराबर में आपको मिल जाता है एक 2 BHK का फ्लैट, यानी कि एक फ्लोर पे आपको 4 यूनिट मिल रहा है, और साइड में ही आपको बहुत बड़ी सी लिफ्ट मिल जाती है जिसको भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया गया है। साथ में मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लिविंग एरिया से। तो चलिए, और इस फ्लैट की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि ये मेट्रो स्टेशन नवादा से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे बनाया गया है ना अमेजिंग बात, क्योंकि आजकल हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करते हैं मेट्रो में, और मेट्रो आपके घर से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे होने वाला है, और मेन रोड की कनेक्टिविटी आपको सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे मिल जाती है। और साथ में अगर आप ये लिविंग एरिया देखें एक बार, तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग, कितना ब्यूटीफुल और कितना सिंपल रखा गया है, जिसकी वजह से इतना रॉयल लुक दे रहा है ना ये मत पूछिए। हम टाइल्स देखें तो आप टाइल्स पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से मार्बल टाइल्स का यूज़ किया गया है, बहुत ही प्यारे सा डिज़ाइन है इसके पास, ब्लैक कलर के इसके ऊपर आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं, टाइल्स बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हमने यूज़ किया है। हमने कुछ वॉल पे अलग करने की कोशिश की है कि आप वॉलपेपर वगैरह हमने बहुत यूज़ कर लिया, कुछ यूनिक करते हैं, तो हमने एक कॉर्नर पे आपको दे दिया है वुड की बहुत प्यारी सी डिज़ाइन, यानी जिसको हम लैमिनेट बोलते हैं, वुड का लैमिनेट आपको दिया है जो बहुत ही परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कलर की बात करूँ बहुत ही अच्छी है, जस्ट इसके ऊपर हमने व्हाइट कलर का आपको साइड साइड में बोर्ड दिया है, और जिसके ऊपर हमने आपको लगा के दी है फोकस लाइट, यानी कि अगर आप यहाँ पे कुछ लगाना भी चाहते हैं या चाहे सीनरी हो कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है उस लाइट की वो सीधा आपके उस चीज पे पड़ने वाली है, और ज्यादा और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है। इस साइड अगर मैं इस वॉल की बात करूं तो इस वॉल पे जो पेंट किया गया है इसको हम बोलते हैं टेक्सचर, यानी कि ये बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर वर्क किया गया है इसके ऊपर, जो इसको आप टच करोगे तो ये आपको फील होगा, और जो बहुत ही अच्छी और यूनिक चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। ऊपर हम आपको दे देते हैं लैम्प, जो बहुत ही प्यारा सा कलरफुल लैम्प है जिसके ऊपर ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये वॉल पूरी की पूरी वाइट रखी गई है, और टेक्सचर का यूज़ किया है हमने जो बहुत ही रॉयल लुक देती है आपको पूरे के पूरे फ्लैट पे। सेम वॉल हमने यहाँ पे भी रखी है, आप अगर देखोगे लिविंग एरिया में हमने सेम ही रखा है, जिसके कारण ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही क्लासिक लुक दे रहा है। ऊपर हमने आपको स्प्लिट एसी के लिए वायरिंग दे दी है, तो आपको बहुत इजी पड़ने वाला है, आपको एसी लगवाना है तो बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि हम आपको वायरिंग ऑलरेडी दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे ना आप आराम से 10-सीटर सोफा, एल शेप सोफा जो आजकल ट्रेंड में है, यू शेप सोफा, जैसा सोफा लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। कॉफी टेबल लगाने के बाद आपको बहुत सारा स्पेस इस लिविंग एरिया में मिलने वाला है। तो जस्ट इसके सामने आपको मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत सा टीवी पैनल, आप देख सकते हैं बिल्कुल यूनिक हम आपको यहाँ पे डिजाइन दे देते हैं। अगेन आपको टेक्सचर मिल रहा है वॉल पे जो बहुत ही अच्छा है, जो ये पेंट है वो आपको फील होने वाला है जब इसको आप टच करने वाले हो। साथ में हमने ना कुछ नया करने का कोशिश किया था, क्योंकि हमने बहुत वुड यूज कर लिया, हम कुछ अलग करना चाहते थे, और अब आप इसके ऊपर टीवी लगाने वाले हो ना, इतना खूबसूरत लगने वाला है कि मत पूछिए। यहाँ हम आपको स्विच बोर्ड दे देते हैं, नीचे हम आपको बहुत सारे ड्रॉल्स दे देते हैं जहाँ पे आप अपना सामान कुछ भी फिट कर सकते हैं। यहां हमने आपको खूबसूरत सा शोरूम दिया है जहां पे आप कोई भी अपनी डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं, इतना क्लासिक डिजाइन हमने आपको दिया है, साथ में बहुत ही अच्छे वुड का हमने यहां काम किया है। इस साइड हम आपको छोटे छोटे ड्रॉल्स दे देते हैं जहां पे आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी रखना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं इतना अमेजिंग सा टीवी पैनल है,
इसके कारण ना और खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अलग लुक देने वाला है। यानी कि आप जितने भी घर देखे देख के आए होंगे, इसके अलावा आपको ये फ्लैट में विजिट करने के बाद कुछ यूनिक चीजें देखने को मिलने वाली है। सबसे प्लस पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इस साइड ना आपको मंदिर के एरिया भी मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ आपको इतना बड़ा मंदिर के लिए स्पेस दे रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इतने सारे ड्रॉल्स आपको मिल रहे हैं, इतना बड़ा आपको मंदिर का स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे आप अच्छा खासा, अगर किसी को घर में बहुत ही शांति वाला माहौल, पूजा पाठ करने का शौक है, उसके लिए घर तो बहुत बेस्ट होने वाला है। साथ में आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग तरीके, अगर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊं तो ये बिल्कुल सही दिशा में मंदिर को बनाया गया है। यहाँ ऊपर हम आपको बहुत ही प्यारी सी फोकस लाइट दे रहे हैं, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। नीचे आप कोई भी मंदिर में रखने वाले हैं भगवान जी, तो उसके ऊपर डायरेक्ट ये रिफ्लेक्स आएगा, जिसके कारण इतना खूबसूरत लगने वाला है। इस साइड हम आपको बहुत ही अच्छा सा मार्बल का टाइल यूज करके दे रहे हैं। नीचे हम आपको दे देते हैं बहुत सारे ड्रॉल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, यानी आपको मंदिर का सारा सामान यहाँ आने वाला है, कहीं कहीं आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस साइड भी हम आपको टाइल्स दे देते हैं, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोनों साइड आपको हम वुड का काम दे रहे हैं, उसके ऊपर आपको फोकस लाइट दे रहे हैं। अमेजिंग मंदिर है, बहुत ही अच्छा स्पेस है इस मंदिर का। तो इसके साथ साथ अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके कॉमन वॉशरूम की तरफ, जो इस साइड बनाया गया है, यानी कि मंदिर से बहुत दूर है और बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन भी किया गया है। तो आइए हम देखते हैं आपके कॉमन वॉशरूम को। तो यहाँ मिल जाता है आपको कॉमन वॉशरूम, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी फिटिंग्स बाकी है, हम पहले ही आप विजिट करने से पहले हम फिटिंग्स करवा देंगे, बस एक फिटिंग्स का काम बाकी है। बाकी आप टाइल्स देख सकते हैं कितना अमेजिंग है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। सीलिंग आपने देखा ही कितना खूबसूरत कॉब लाइट्स एंड एलईडी लाइट का काम किया गया है। साथ में बहुत स्पेशियस आपको ये वाला कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, जैसे कि आपने देखा बहुत ही अमेजिंग है। ये था आपका वॉशरूम। अब एक नजर अगर हम लिविंग एरिया के, अगर हम सीलिंग पे देखें, आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं कितनी अमेजिंग फॉल सीलिंग हमने दी है, लाइट कितना परफेक्ट है। साथ में हम बीच में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा झूमर दे रहे हैं, जो बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर में है। साथ में हम आपको दे देते हैं दो फैन, साथ में हम आपको एलईडी लाइट्स दे रहे हैं, कॉब लाइट्स दे रहे हैं, जो इतना परफेक्ट लुक दे रहा है कि मत पूछिए। बहुत ही खूबसूरत सी सीलिंग हमने यूज की है यहाँ पे, जो चार चांद लगा रही है पूरे के पूरे लिविंग एरिया में। तो ये थी आपकी सीलिंग। तो ये था आपका एंट्रेंस, जैसा कि आपने देखा। यहाँ आ जाते हैं आपका लिविंग एरिया, ये है आपका टीवी पैनल, और ये रहा आपका मॉड्यूलर किचन, जैसा कि आप देख रहे थे। इस साइड आपका मॉड्यूलर किचन हो जाता है, टीवी पैनल है, जस्ट इसके बराबर में आपको ओपन मॉड्यूलर किचन मिल जाता है। अगर आप एक झलक देखिए तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। व्हाइट एंड ब्राउन कलर का कलर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे रखा है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो इतना ब्यूटीफुल सा आपको बीच में सीलिंग पे लैंप मिल जाता है, और जैसे ही आप एंट्री करते हो तो यहाँ आपको बहुत ही प्यारा से कॉब लाइट्स मिल जाते हैं। यानी एंट्री करते ही आपको बीच में कॉब लाइट्स मिल रहे हैं, सीलिंग पे बात करूँ तो एलईडी लाइट्स, कॉब लाइट्स और ब्यूटीफुल सा व्हाइट कलर का लैंप मिल जाता है। स्पेशियस है किचन, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रिज रखने के लिए स्पेस, यहाँ पे अपना फ्रिज आप रख सकते हैं। इस साइड आपको मिल जाता है आपका सिंक एरिया, जहाँ पे आप बर्तन धोते हो। सबसे अच्छी बात है सिंक एरिया आपका अंदर की तरफ है, ये आपका वुड का जो आपको डिजाइन दिया गया है, इसके कारण ये ढक जाता है, तो बहुत ही अमेजिंग है, आपको स्पेशल इस साइड मिल जाता है। नीचे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे आपको डस्टबिन के लिए एरिया, साथ में इस साइड आपको मिल रहे हैं बहुत सारे स्पेशियस ड्रॉल, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। साथ में मैं बात करूँ तो इस साइड भी आपको बहुत सारे कैबिनेट्स मिल जाते हैं, जो इतने ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि मत ही पूछिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेशियस है। नीचे भी आपको ड्रॉल्स मिल रहे हैं जैसे कि मैंने दिखाया, साथ में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, जंग नहीं लगने वाला है, बहुत लंबे टाइम तक आपका ये साथ देने वाले हैं, और साथ में बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हमने यहाँ पे ड्रॉल्स यूज किया है। ऊपर आपको बहुत सारे कैबिनेट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सामान रखना है। साथ में इतना स्पेशियस है, आपको पार्टीशन मिल जाती है। ऊपर अगर वुड की बात करूँ तो वुड के ऊपर आपको मिल जा रही है फोकस लाइट, जैसा कि आप देख रहे हैं। साथ में इस साइड आपको मिल जाता है आरओ के लिए स्पेस, हमने यानी कि आरओ के लिए स्पेस ऑलरेडी हमने बना के दिया आपको, यहाँ आपका आरओ लग जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बीच में आपको मिल रही है चिमनी, जैसे कि आपने कहा बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमने यहाँ पे चिमनी यूज़ की है। यहाँ टाइल्स यूज़ किया है हमने, जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, अच्छे हाइट पे है। तो ये ख़त्म होता है आपका किचन, और मैं आपको लेके चलती हूँ अब आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो चलिए, तो
तो ये रहा आपका फर्स्ट बेडरूम, आइए मैं आपको लेके चलती हूँ। ये है आपका फर्स्ट बेडरूम, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही स्पेशियस आपको ये बेडरूम मिल जाता है, साथ में वेंटिलेशन से भरा हुआ है, इतनी बड़ी विंडो मिल रही है। पहले हम बात कर लेते हैं वॉलपेपर की। जैसा आप देख रहे हैं अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन के साथ हम आपको ये वॉलपेपर दे रहे हैं। टच जब आप करोगे इसको तो ये आपको फील होने वाला है, अगेन बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। जस्ट इसके ऊपर हम आपको लैंप दे देते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। अब हम बात कर लेते हैं अगर सीलिंग की, तो सीलिंग आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग, हमने कॉब लाइट्स एंड एलईडी लाइट्स का यूज किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी सीलिंग हमने यहाँ पे रखी है और जिसकी फिनिशिंग अमेजिंग है। फिनिशिंग की बात करूँ ना, अगर इस पूरे फ्लैट में इतनी अमेजिंग तरीके से की है, एक भी काम नहीं छोड़ा है, इतने अमेजिंग तरीके से हमने इस पूरे के पूरे फ्लैट को डिजाइन किया है। तो इस साइड आपको जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही बड़ी सी विंडो आपको मिल जाती है, वो भी मिरर के साथ है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बहुत ही यूनिक सा डिजाइन लग रहा है। इतनी बड़ी विंडो है जैसे कि आपने देख ही लिया। ऊपर हम आपको दे देते हैं विंडो एसी के लिए स्पेस। इस साइड आपको मिल जाता है आपकी बालकनी, तो फ्रंट साइड फ्लैट है तो ऑफ कोर्स बालकनी बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो आइए एक झलक देख लेते हैं आपकी बालकनी की। जस्ट इसके इस साइड आपको मिल जाती है बहुत बड़ी सी वुड की अलमीरा, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ी वुड की अलमीरा हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। साथ में गहराई की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है इसकी, साथ में बहुत ही बड़ा आपको ये अलमीरा मिल जाती है। पार्टीशन आपको अलग मिल रही है, यानी कि उसकी अलग है इसकी अलग है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है इस पूरे पूरे अलमीरा की। स्लाइडर डोर है जो बहुत ही अच्छी तरीके से मूव हो रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। बहुत ही अच्छे कलर का हमने यहाँ पे यूज़ भी किया है। तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो आइए, तो ये है आपका सेकंड बेडरूम जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप पूरा का पूरा ओवरलुक देखें अगर इस पूरे रूम का, तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से डिजाइन की गई है। मैं वॉलपेपर की बात करूं तो बहुत ही अमेजिंग वॉलपेपर यूज करके हमने दिया है। इसका टेक्सचर की बात करूं तो बहुत ही अच्छा है, आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा सा लग रहा है इसका, बहुत ही यूनिक वॉलपेपर हमने यहाँ पे आपको लगा के दिया है। इससे आपको हमने छोटा सा आपका डाइनिंग आपका सॉरी ड्रेसिंग एरिया भी दिया है, अगर आप चाहो तो इसको ड्रेसिंग के रूप में यूज कर सकते हो। साथ में मैं अंदर की बात करो तो हम आपको अंदर स्टोरेज दे देते हैं, आपको कोई भी सामान रखना है आप रख सकते हैं। इवन हम आपको इसके ऊपर भी स्टोरेज दे रहे हैं, हम आपको नीचे भी बहुत सारे स्टोरेज दे रहे हैं और काफी अच्छे बड़े बड़े स्टोरेज दे रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा सामान यहाँ पे आने वाला है। इवन आप अपने कपड़े तक इसमें रख सकते हैं, इतना अच्छा स्पेस हमने यहाँ पे आपको दिया है। इस साइड भी हम आपको बहुत बड़ी सी अलमीरा दे देते हैं। जस्ट इसके उस साइड भी हम आपको बहुत ही प्यारी सी बहुत बड़ी अलमीरा दे रहे हैं। ये तो दोनों तरफ खुलती है और साथ में बहुत ही स्पेशियस आपको अलमीरा मिल रही है। नीचे भी हम आपको बहुत अच्छा स्पेस का आपको वॉलड्रॉप दे रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं खुल रहा है तो कितना सारा स्पेस अंदर में है। नीचे भी हम आपको दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा स्पेस है। और ये है आपका अटैच वॉशरूम, आइए देखते हैं एक बार आपका अटैच वॉशरूम। अगर तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्पेशियस हमने आपको ये वॉशरूम दिया है। और साथ में मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छे टाइल्स का काम किया गया है, टॉप तक टाइल्स मिल रही है, फिटिंग्स बाकी है जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। आपको यहाँ पे मिल जाती है कॉब लाइट्स एलईडी लाइट्स। अगर मैं आप बाहर की तरफ की बात करूं तो जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छा आपको स्पेशियस मिला है अटैच वॉशरूम। इस साइड भी आपको विंडो मिल जाती है, ऊपर विंडो एसी के लिए स्पेस, नीचे आपको विंडो मिल रही है, यानी वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होने वाली है। वैसे भी फ्रंट साइड का फ्लैट है तो आपको वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होने वाली है। ये देखिए आप एक बार अपना टीवी पैनल, तो बहुत ही अच्छी तरीके से कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए टीवी पैनल हमने डिजाइन किया है। अच्छा सा टीवी पैनल है, बहुत ही अच्छे वुड का काम किया गया है। यहाँ पे आप आराम से 70-75 इंच का टीवी लगा सकते हैं। तो इसके साथ साथ अब मैं आपको लेके चलूं आपके थर्ड बेडरूम की तरफ जो सीधा उस सामने आपको पड़ता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। तो ये आ गया आपका थर्ड बेडरूम, जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छा खासा ये भी स्पेशियस है। यहाँ पे आराम से आप 6x6 का बेड लगा सकते हैं। वॉलपेपर अगेन हमने बहुत यूनिक दिया है। यहाँ पे हम आपको कलरफुल लैंप दे रहे हैं जिसकी लाइट चेंज होती रहती है, पिंक येलो वाइट हर एक तरह के लाइट चेंज हो रही है इसकी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। साथ में आप देखिए तो इस साइड हमने आपको वेंटिलेशन के लिए दे दिया है स्पेस, साथ में यहाँ मैंने आपको दे दिया है स्पीड एसी के लिए वायरिंग। सीलिंग की बात करूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी सीलिंग हमने आपको दी है, राउंड राउंड कलर का, राउंड राउंड करके डिजाइन है। उसके अंदर आपको एलईडी लाइट्स मिल रही है, कॉब लाइट्स मिल रही है जो अमेजिंग लग रही है। इस साइड अगेन हमने जो टीवी यूनिट बनाया है वो बहुत ही डिफरेंट बनाया है, यानी कि हमने टोटल वुड का काम नहीं रखा है। यहाँ हम आपको सिर्फ और सिर्फ वुड की बहुत ही
प्यारे सा शोरे बना के दे रहे हैं और बीच में आप लगा सकते हैं टीवी, जो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा हम आपको शोरे दे रहे हैं, जहाँ पे अपने कोई भी सामान सजाने का सामान आप रख सकते हैं, जो बहुत ही प्यारे तरीके से डिजाइन किया गया है। तो ये था आपका थर्ड बेडरूम, जैसा कि आपने देखा बहुत ही स्पेशियस, अच्छा खासा स्पेस है इस वाले बेडरूम में भी। तो इसके साथ साथ मेरा तीनों कमरा, ये लिविंग एरिया आपको पूरा कंप्लीट होता है। जैसे कि आपने देखा बहुत ही क्लासिक फ्लैट है, बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ है, और सबसे प्लस पॉइंट मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ आपको 300 मीटर की दूरी पे मिल रहा है, जो कि नवादा मेट्रो स्टेशन है। और बता दूं तो यहाँ के फ्लैट का रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इतने अच्छे रेट पे अभी आपको ये फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत ही रीजनेबल रेट में हम आपको ये फ्लैट प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ में इतना अमेजिंग ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लैट है, जैसा कि आपने देखा इतना सिंपल एंड सटल रखा गया है, बहुत ही प्यारा है। साथ में मैं बात करूँ तो आपको लिफ्ट एंड कार पार्किंग के साथ मिल जाता है, 90% होम लोन के साथ मिल जाता है, और ओम विहार जैसे लोकेशन पे ये बनाया गया है। तो इन सभी फैसिलिटीज के साथ मुझे नहीं लगता आपको मिस करने की जरूरत है इस फ्लैट को। तो जल्दी जल्दी इस फ्लैट को अपना बनाएं और नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए। और हाँ, जैसे कि मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ, आप हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और साथ में बहुत सारे लोगों तक कर दीजिएगा शेयर। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।